नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और स्वागत है आप सभी का वी मेक क्रिएटर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं उन टीचर्स के लिए जो अभी भी कहीं ना कहीं ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। मेरे दोस्त, इस सिचुएशंस में शायद आपको समझ आ गया होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई, जितने भी चाहे वो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो या फिर वो लोग जो कहीं ना कहीं अपनी मीटिंग्स करते हैं, वो बच्चे जो घर बैठे हुए हैं, टीचर्स ऑनलाइन किसी भी माध्यम से, चाहे आपको टेक्नोलॉजी की जीरो नॉलेज है फिर भी वो व्हाट्सएप के वीडियो कॉलिंग के थ्रू भी बच्चों का डाउट्स सॉल्व कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक स्टैटिक्स फिगर देते हुए समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों आपका ऑनलाइन आना इंपॉर्टेंट है, वो आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इंडिया में इंटरनेट के जो यूजर्स हैं, एक्टिव यूजर, वो 560 मिलियन एक्टिव यूजर हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से 93% यूजर्स इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, और ई लर्निंग की जो ग्रोथ है वो एवरी ईयर 25% है। ड्यू टू लॉकडाउन इसकी ग्रोथ 45% तक हो गई है जो लोग इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ स्टैट्स पे मैं चलता हूं। तो सबसे पहले इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि ये इतना ज्यादा ग्रो क्यों कर रहा है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? अवेयरनेस। जब भी किसी स्टूडेंट्स को या किसी भी चीज़ की अवेयरनेस होती है तो वो उस चीज़ की तरफ भागता है, जैसे क्वालिटी एजुकेशन, प्लेटफॉर्म और इन चीज़ों से रिलेटेड। मान लीजिए कोई बच्चा गांव में रह रहा है, उसे दिल्ली के एक टॉप टीचर से मैथमेटिक्स की क्लास लेनी है, तो वो किस माध्यम से ले पाएगा? अगर उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है तो वो चीज़ यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन आज के टाइम पे यूट्यूब, टिकटॉक एक ऐसे वीडियो मेकिंग प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं जहां से बच्चे डेली एवरेज 2 आवर्स डेटा कंज्यूम करते हैं, वो भी वीडियो। मैं आपको एक स्टैटिक्स फिगर दूं कि टिकटॉक के जो यूजर्स हैं वो ग्लोबली 800 मिलियंस हैं, और एवरेज यूजर जो टिकटॉक पे टाइम स्पेंड करते हैं वो 56 मिनट। यानी कि यूट्यूब और टिकटॉक को एवरेज लें तो 2 घंटे यूजर्स जो है वो सिर्फ स्टूडेंट्स वीडियो कंजप्शन करते हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्टूडेंट्स यहाँ पे एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीजें देखते हैं, एकेडमिक से रिलेटेड चीजें। इन्हीं दौरान आपको बहुत सारी अवेयरनेस मिलती है कि बहुत सारे टीचर्स हैं जो लाइक यूएस में बैठ के पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे टीचर हैं जो गांव के किसी भी एक छोटे से जगह पे है, जो शायद सिटी में ना आ पाए और वो अपनी क्वालिटी एजुकेशन वीडियोस के माध्यम के थ्रू दे सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो ये था कि कोई प्लेटफॉर्म नहीं था हमारे पास, या फिर हम ऑनलाइन किस तरीके से पढ़ा सकते हैं। जब से जियो का रेवोल्यूशन इंडिया में आया से 3 साल पहले, उसके अकेले जियो की जो सब्सक्राइबर बेस है वो 370 मिलियन एक्टिव यूजर है। इंडिया की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी है जिसके सब्सक्राइबर्स इतने ज्यादा हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद सबसे पहली चीज, एक दोनों साइड की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। सबसे पहला सॉल्यूशन ये था कि जो वीडियो कंजप्शन था वो, क्योंकि जो लर्निंग्स है वो वीडियो के माध्यम से ज्यादा पेनेट्रेट करेगी। अब वीडियो के माध्यम से ज्यादा पेनेट्रेट करेगी, बट उसके लिए एक हाई स्पीड इंटरनेट होना बहुत जरूरी था, और डेटा पैक, आज से 3 साल पहले डेटा बहुत एक्सपेंसिव था, बट धीरे धीरे जब से जियो आया उसके बाद से इंटरनेट एक्सेसिबल बहुत ही इजी हो गया। लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखने लग गए रेदर देन गूगल पे कोई कंटेंट पढ़ना, इसीलिए ब्लॉग्स की डिमांड बहुत ज्यादा कम हो गई और वीडियो ब्लॉग्स की डिमांड सबसे ज्यादा आने लग गई। लोगों ने यूट्यूब को सर्फ करना स्टार्ट किया, उसके बाद लोगों ने यूट्यूब को एज ए एजुकेशनल लेना शुरू किया बहुत सा, क्योंकि यूट्यूब जो है वो मोस्ट सेकेंड, मतलब गूगल के बाद सेकेंड सर्च इंजन है सबसे ज्यादा सर्च करने पे। अब एज अ टीचर आप सोच रहे होंगे कि यार हम इस चीज को कैसे कर सकते हैं, अभी तो हम ऑफलाइन हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं थोड़ा सा उन टीचरों पे ज्यादा जोड़ दूंगा जो टीचर अभी फर्स्ट क्लास से लेके 8th क्लास तक के बच्चे पढ़ाते हैं, या फिर 9th क्लास से लेके 12th क्लास तक के बच्चे पढ़ाते हैं, यूं कहूं कि एकेडमिक लेवल की स्टडी कराते हैं। देखिए, दोनों ही बहुत आसान तरीके से आप बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी सेफ भी होंगी। सबसे पहले, जो मैडम या टीचर बच्चों को फर्स्ट क्लास के बच्चों को पढ़ाती है, फर्स्ट टू 8th क्लास के बच्चों को, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपना एक यूट्यूब पे चैनल बना सकते हैं। जब आप यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं और साथ में खुद की वेबसाइट भी बना सकते हैं। अब आप सोचेंगे इतना डिफिकल्ट होगा ये तो वेबसाइट बनाना, जब से वर्डप्रेस आया, वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स है जिसके थ्रू आप अपना खुद का वेबसाइट बहुत आसानी से सिर्फ 10 मिनट में बना सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ 10 मिनट में वीडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट बना सकते हैं जहां पे अपनी खुद की वीडियो अपलोड करें। आप यूट्यूब पे नहीं भी करना चाहें तो क्योंकि खुद की वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। यस, तो यूट्यूब हो गया या फिर खुद की वेबसाइट हो गई जहां पे आप अपना ऐसे ही कॉन्टेंट
क्योंकि देखिए पहले हार्डवेयर बहुत मुश्किल था कि भाई वीडियो किससे बनाए, कौन सा ऐसा इक्विपमेंट होगा। आजकल मोबाइल के फोन्स की क्वालिटी इतनी ज्यादा बढ़िया है कि आप घर बैठे मोबाइल से ही वीडियोज अच्छी क्वालिटी की बना सकते हैं और उसकी ऑडियो क्वालिटी भी फोन की बहुत ज्यादा बेटर होती है। बट अगर ऑडियो क्वालिटी खराब भी है तो आप बाहर से एक एक्सटर्नल माइक ले सकते हैं 500-700 रुपए की, उसे ऐड करके आप वीडियोज बना सकते हैं। वीडियो बनाने के बाद आप स्टार्ट फ्रॉम YouTube, बिकॉज आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो YouTube से ज्यादा फ्रेंडली हैं, तो आप उस कंटेंट को YouTube पे, जैसा आप लाइक मेरी वीडियोस ना देख रहे हैं, आप एक चैनल का नाम डिसाइड करेंगे। जैसे पहले हम लोग क्या से कभी लाइक विजिटिंग गार्डन डालते थे, शर्मा जी ट्यूशन सेंटर या एकेडमी, खान एकेडमी। जैसे आप खान एकेडमी तो वर्ल्ड फेमस है, आप अगर आप खाने हैं तो खान एकेडमी रख सकते हैं, सतीश ट्यूटोरियल रख सकते हैं, मुकेश ट्यूटोरियल रख सकते हैं, मुकेश एकेडमी रख सकते हैं, AH क्लासेस रख सकते हैं, कोई भी क्लासेस का नाम रख सकते हैं और वहां पे एवरी डे आप वीडियोस अपलोड कर सकते हैं और वो वीडियोस आप अपने स्टूडेंट्स को, अगर आपके पास स्मॉल स्टूडेंट है 10-12 जो आप कॉम्पिटिशन पढ़ा देते हैं, उनको आप शेयर कर सकते हैं, या फिर ज्यादा स्टूडेंट्स हैं तो उन सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के आप उस एवरी डे एक टाइम फिक्स कर दीजिए कि बच्चों तुम्हारे लिए हर 5 बजे मैं एक वीडियो कंटेंट फ्री में दे रहा हूं, आप इस चीज को देखिए। शुरुआत में किसी भी चीज में शिफ्ट करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे जो लोग नेटफ्लिक्स यूज नहीं करते उन्हें नेटफ्लिक्स का आप अकाउंट दे देंगे उन्हें बहुत बोरिंग लगेगा, लेकिन इफ दे स्टार्ट कंज्यूमिंग नेटफ्लिक्स वो देखने लगता है वेब सीरीज देखने लगता है, जैसे हमारे साथ होता है, या जो भी कंटेंट लोग इन चीजों को देखते हैं। तो आप पहले उनको एज अ फ्री बोल के आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं उस वीडियो को और उनको सिखा सकते हैं। सिंपल, मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करी, जरूरी नहीं है, क्योंकि जब भी आप क्लास में जाते हैं एकदम से पढ़ाना शुरू तो नहीं कर देते ना, और बच्चों कैसे हो, बहुत बढ़िया, चलो फिर आज शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि, या फिर बच्चों आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि इस थ्योरम को किस तरीके से सॉल्व करना है, या ये जो क्वेश्चन था इसका क्या सॉल्यूशन है। बस बना के वीडियो चलो खत्म करते हैं, ऑफ शेयर कर दीजिए। जरूरी भी नहीं है कि आपको शुरुआत के दौरान पे एडिटिंग करनी, क्योंकि शुरुआत के दौरान पे जब बच्चों को वीडियो पेनिट्रेशन करना आप फ्री में सिखा रहे हैं तो आपको भी तो सीखनी है चीजें, ये चीज कर सकते हैं आप, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं लेकिन वो वीडियोस बहुत देखते हैं यूट्यूब पे। आप यूट्यूब पे अपलोड करके उनको लिंक भेज दीजिए, वो देखेंगे। लेकिन जो बच्चे 8th क्लास या 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक है, जो इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं, जो टीचर इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहे हैं, उनके लिए बहुत आसान क्या है, आपका बहुत सारा समय बच सकता है। जैसे आपका टाइम, हमारा टाइम कैसे होता था कि भाई 3 से 6 इंस्टीट्यूट में, 6:15 से लेके 8:15 तक इंस्टीट्यूट में, 3-4 इंस्टीट्यूट हम एवरी डे पढ़ाते थे। आप तीनों इंस्टीट्यूट को कंबाइन करके लाइव क्लासेस चला सकते हैं। ये बच्चे लाइव क्लास में आपसे अटैच वैसे ही रहेंगे जैसा वो वहां पे थे। रियलिटी है मेरे दोस्त, लाइव क्लासेस आज यूट्यूब पे सबसे ज्यादा फेमस है। आज मैं बात करूं वाई फाई स्टडी की, या बहुत से ऐसे चैनल जो लाइव क्लासेस की वजह से बहुत ज्यादा ग्रोथ कर गए, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटेटिव के स्टूडेंट्स से घर बैठे जो सीख रहे थे, जो किसी कोचिंग में भी जा रहे थे लेकिन वहां से समझ आके घर आते थे और घर पे पता था, अरे फलां चैनल पे फलां सर 6 बजे लाइव आएंगे और इस चैप्टर के बारे में पढ़ाएंगे। बहुत आसान है उस चैप्टर के बारे में पढ़ाना, आप लाइव बटन दबाइए, लाइव आ गए, लाइव में कोई एडिटिंग वेडिटिंग की जरूरत नहीं है, आप पढ़ा सकते हैं बच्चों को। जी हाँ, ये बहुत आसान तरीका है। तो ये इन तरीकों से आप लाइक लाइव क्लासेस कर सकते हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस डाल सकते हैं, और ये सब चीजें बच्चों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं और इस वजह से आप अपना बहुत सारा समय बचा सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि नहीं सर जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं, तो मैं आपको एक सीधी सी एक बात बतलाना चाहूंगा। 2016 में ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स पे 1.6 मिलियन स्टूडेंट्स थे जो ई लर्निंग के थ्रू पढ़ते थे, और आज 2020 में 10 मिलियन हो चुका है। आप अंदाजा लगा सकते हैं सिर्फ 4 सालों में कितनी ज्यादा ग्रोथ है। तो इसी से आप ये सोचिए कि बच्चे सब ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं, सबके पास टाइम की प्रॉब्लम है, बच्चा स्कूल से आता है दिन भर और उसको एक क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। माँ बाप को भी पता होना चाहिए कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो किस तरीके से पढ़ा रहा है। जब वो खुद बच्चों की वीडियोस देखते रहे, ये टीचर तो बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो वो खुद मॉनिटर कर पाते हैं। जैसे ऑपरेशन थिएटर में कैमरे लगा दिए जाते हैं कि पेशेंट्स के साथ क्या अंदर डॉक्टर कर रहे हैं वो सब आपको दिखे, वही चीजें बच्चे किन टीचरों से पढ़ रहे हैं ये सब चीजें रिकॉर्डेड हैं, सारी चीजें हैं। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप अभी भी ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं माइक्रो वीडियो से, लाइक 30 सेकंड की 1 मिनट की वीडियोस बना बना के व्हाट्सएप ग्रुप में आप डाल सकते हैं, जो ग्रुप आपने अपने स्टूडेंट्स के बनाया हुआ है। इन चीज़ों को आदत डालिए, फिर बच्चों को शिफ्ट करिए यूट्यूब पे, उसके बाद अपनी वेबसाइट पे, और ये सारी चीज़ों के लिए कोई टीम की जरूरत नहीं है, ये आप खुद कर सकते हैं। मैंने शुरुआत में ऐसे ही स्टार्ट करी, आज मेरे पास तकरीबन 80-90 लोगों की टीम है। ड्यू टू लॉकडाउन मैं अपने घर से ही वीडियोज़ बना रहा हूँ, बट आज मेरे पास सभी लोग हैं। आप दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे तो काउंसलर आपको बताएंगे भी कि किस तरीके से आप यूट्यूब पर अपनी वीडियोज़ अपलोड कर सकते हैं। हमारा एक कंप्लीट कोर्स है, टीच
टीचरों के लिए स्पेशली कि आप ऑफलाइन से ऑनलाइन अपने आप को कैसे स्विच कर सकते हैं और बहुत सारा समय बचा सकते हैं और जिसमें अफोर्डेबल प्राइजेस भी है। जैसे मान लीजिए अगर आप एक बच्चे से 800 रुपए की फीस ले रहे हैं, आप ऑनलाइन बच्चे से सिर्फ 80 रुपीज ले सकते हैं, बिकॉज आपका वॉल्यूम बड़ा हो जाता है। मतलब जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा आपकी सेल्स उतनी ज्यादा होगी, मैं अगर डायरेक्ट वर्ड में कहूँ तो। क्योंकि देखिए ऑल अबाउट मनी, हर कोई पैसों के लिए काम करता है। फ्री में कोई कहते ना, फ्री में तो सर एक मच्छर भी नहीं मरते, उसके लिए भी 25-30 रुपए का एक कोलिन लाना पड़ता है। ये अगर लाइन सही लगे तो कमेंट में करना। ये मेरे टाइम पे एक स्टूडेंट सागर था, वो कहता था कि सर फ्री में, मैं कहता था अरे कोई बात नहीं फ्री में पढ़ा दूंगा, कहता सर फ्री में तो मच्छर भी नहीं मरते। तो दिस इज अ रियलिटी कि आप ज्यादा बच्चे पढ़ाएंगे, जो बच्चे 800 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते वो 80 रुपए अफोर्ड देके आपकी एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हैं और आपको ज्यादा बच्चे मिलेंगे, जिससे आपकी जो सस्टेनेबिलिटी है वो बहुत लॉन्ग टाइम तक रहेगी। बहुत सारी चीजें हैं जिनके थ्रू आप कर सकते हैं और इन सब चीजों के लिए लास्ट 3 सालों में मैंने कई ऐसे लोगों को डिजिटल मार्केटर बनाया है, यूट्यूब पे वीडियोस बनाना सिखाया है। और आप भी चाहते हैं इन चीजों पे तो हमारा एक कंप्लीट कोर्स है यूट्यूब मिलियनेयर का, सिर्फ आप 1 मंथ करेंगे और करने के दौरान ही खुद का आप चैनल बना सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, खुद की एडिटिंग कर सकते हैं, वो भी सिर्फ मोबाइल से। कोई ज्यादा आपको पीसी और लैपटॉप और इन सब ऐसे लाइक माइक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप स्टार्ट करते हैं शुरुआती के दौरान पर। जब पैसे आने लगे तो सारी इक्विपमेंट्स खरीदने लगे, बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इस दौरान किस तरीके से टैकल करना है, बिकॉज लास्ट 3 सालों में मैंने बहुत कॉम्पिटिशन फेस करे, बहुत से कॉम्पिटिटर आए, चैलेंजेस को फेस करा। बिकॉज होता क्या है, ऑफलाइन में चीजें बहुत धीरे बदलती हैं, इसलिए आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन ऑनलाइन में चीजें एवरीडे बदलती हैं। अगर आप एवरीडे उस चीजों को चैलेंज नहीं लेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं ऑफलाइन से आप धीरे धीरे सारी चीजें स्विच हो रही हैं ऑनलाइन की तरफ, तो आपको मजबूरन आना ही पड़ेगा। जब आप सबसे पीछे होंगे तो बहुत दिक्कत होगी। अभी ये स्टार्टिंग है इंडिया में, अगर आप अभी लर्निंग से ज्वाइन नहीं किए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो स्टार्ट करिए कुछ भी तरीके से, व्हाट्सएप पे वीडियो शेयर करने शुरू करिए और बस यही आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म बन सकता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही ऑनलाइन एजुकेशन और ई लर्निंग से रिलेटेड और यूट्यूब की सारी बातों के लिए वी मेक क्रिएटर्स को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं फ्री में यहां पे आप लोगों को ये वैल्यूएबल नॉलेज देता रहता हूं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।